जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पुरानी गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं या फिर आपने पुरानी गाड़ी बेचा है, मैं दोनों के लिए आज बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी अक्सर देखा गया है कि जो पुरानी गाड़ी खरीदते हैं या फिर पुरानी गाड़ी बेचते हैं, उन दोनों को मैं मुसीबत में पड़ते हुए देखा हूँ। अक्सर होता क्या है कि लोग पुरानी गाड़ी अपनी बेच देते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी गाड़ी पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, और जो खरीदते हैं, जो उस गाड़ी को खरीदते हैं, वो अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं कराते, आलस से नहीं कराते हो, किसी कारण से नहीं कराते हो, लेकिन नहीं कराते हैं। और जो बाद में उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम बहुत ही भयानक आता है। जो गाड़ी अपना बेचते हैं वो भी मुसीबत में पड़ते हैं, उन्हें भी परेशानी आती है। आप गाड़ी पुरानी अपनी बेच रहे हैं, बाइक हो, कार हो, या फिर किसी प्रकार का गाड़ी हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, और जो लोग खरीद रहे हैं उनको भी क्या क्या करना चाहिए, सारा डिटेल, सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग की बात बोल रहा हूँ, सभी के बात तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है कि जो अपनी गाड़ी बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, कार बेचते हैं, कुछ भी, तो करते क्या है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, एक सेल लेटर उनको बना देते हैं, जिससे गाड़ी बेचते हैं उनके नाम पर एक सेल लेटर बना के उनको दे देते हैं, ताकि उस सेल लेटर के आधार पर उनका गाड़ी ट्रांसफर हो जाए, मतलब आपके नाम से उसके नाम पर गाड़ी चल जाए। लेकिन होता क्या है, सेल लेटर करके तो आपने गाड़ी बेच दिया, लेकिन जो लोग गाड़ी खरीदते हैं वो आलस के कारण हो, या फिर किसी कारण से हो, जो भी उसके मन में हो, कुछ भी हो, या फिर उसके पास पैसे नहीं हो उतना, वो ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, गाड़ी चढ़ते रहते हैं। लेकिन कभी अगर उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या फिर उस गाड़ी से कोई क्राइम हो जाता है, उस गाड़ी से कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो फिर होता क्या है कि गाड़ी के ओनर को ढूंढा जाता है। जब पुलिस केस होता है तो किसको ढूंढा जाता है, गाड़ी के ओनर को। लेकिन वो अगला व्यक्ति जिसने गाड़ी खरीदा है लेकिन अपने नाम से ट्रांसफर नहीं कराया, गाड़ी तो है जो पुराने ओनर के नाम पे ही है, आपने बेचा, आपके नाम पर ही ऑन रिकॉर्ड RTO में चल रहा है, तो उससे होगा क्या कि डायरेक्ट पुलिस आपके घर पे पहुंचेगी और आपसे पूछताछ करेगी, सारी जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि अगले ने ट्रांसफर नहीं कराया है और सेल लेटर तो उन्होंने बनवा लिया है। लेकिन अगर वो ये बोल दे, अगर वो अगला बंदा ये बोल दे कि मैंने गाड़ी इससे खरीदा ही नहीं है, तो आप फिर वहाँ पे क्या करेंगे, आप भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपकी जवाबदेही हो जाएगी, आपकी परेशानी बढ़ेगी। अगर आप साबित कर भी देते हैं कि गाड़ी मैंने बेच दिया है, गाड़ी उसने खरीद लिया था, साबित कर भी देते हैं, तो साबित करते करते आपको 5-6 महीना, 1 साल लग जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी थाने दौड़ना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी, पैसा का खर्चा होगा। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि किसी को गाड़ी आप बेच रहे हैं, किसी को गाड़ी बेच रहा है तो उसको RC दे देते हैं, आप इंश्योरेंस दे देते हैं, पॉल्यूशन दे देते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होता है सारे दे देते हैं, सेल लेटर बना देते हैं, आपके पास बचता क्या है, कुछ नहीं। तो आपको प्रूफ रखना पड़ेगा अपने पास कि मैंने पुरानी गाड़ी बेची है, ताकि कल हो के वो ट्रांसफर ना कराए, उस गाड़ी से कुछ हो जाए तो आप पर आँच ना आए। तो आप जान लीजिए क्या करेंगे क्या, वो जान लीजिए। आप करना क्या है कि गाड़ी आप बेच रहे हैं, बहुत लोग बेचते ही हैं, जरूरत पड़ता है तो बेचते हैं, या फिर गाड़ी बदलना होता है, नया गाड़ी खरीदना होता है तो लोग बेचते हैं, तो आपको सतर्कता बरतनी है। करना क्या है, जिससे आप गाड़ी बेच रहे हैं उससे एक एफिडेविट करा ले। सबसे पहली बात कि एफिडेविट करा ले। एफिडेविट में क्या लिखा रहेगा कि गाड़ी नंबर लिखा रहेगा, गाड़ी का मॉडल लिखा रहेगा, सारा चीज़ लिखा रहेगा, उसमें सारा बयान लिखिए कि मैं ये गाड़ी इस बंदे से बेच रहा हूँ, उसका पता के साथ, एड्रेस के साथ, आधार नंबर के साथ, उसमें सारा चीज़ मेंशन कीजिए कि आज से ये गाड़ी उनकी हुई, और इससे कुछ भी होता है, कोई घटना होता है, दुर्घटना होता है, या कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, इनकी होगी। इसके अलावा सेल लेटर एक बना दीजिए, लेकिन एफिडेविट जरूर आप बनवाइए। एफिडेविट बनवा के आप रख लेते हैं तो फिर आपके पास एक प्रूफ रहता है कि यह गाड़ी आपने बेच दिया है उससे, और क्रेता विक्रेता नीचे लिख के दोनों का साइन करा लीजिए, और नीचे में डेट डाल दीजिए, और 2-3 विटनेस का साइन जरूर करा लीजिए। यह आपका पुख्ता एक सबूत रहेगा, कल हो के उस गाड़ी से खरीदने वाला ट्रांसफर जल्दी कराता नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा, इतनी जल्दी कराता नहीं है। लेकिन उस बीच में अगर 6 महीने बाद कराता है, 1 साल बाद कराता है, उस बीच में कोई हादसा हो जाता है, किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, उस गाड़ी से कोई क्राइम हो जाता है, उस गाड़ी से किसी का लूटपाट हो जाता है, फिर जवाबदेही आपकी नहीं रहेगी। आपके पास अगर पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आपके नाम से गाड़ी है, तो आप उस एफिडेविट को दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और राय दे रहा हूं, जिससे आप गाड़ी बेचते हैं, क्राइम हो ना हो तो बाद की मामला है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करा रहा है, आपको पता है कि अभी तक ट्रांसफर नहीं कराया है, तो आप 6 महीने देखें मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप इंतजार ना करें, 6 महीने देखें, 5 से 6 महीने देखें, अगर अगला ट्रांसफर नहीं कराता है तो समझ लीजिए उसके नियत में कुछ खोट है, या फिर उस गाड़ी से गलत काम कर रहा है, उस गाड़ी से स्मगलिंग कर रहा है, या फिर उस गाड़ी का गलत दुरुपयोग कर रहा है। तो आप करिए क्या कि उसको एक लीगल नोटिस भेजिए, या तो खुद लिख के भेजिए, या फिर
किसी वकील के द्वारा एक लीगल नोटिस उसे कर सकते हैं। लीगल नोटिस में ये लिखा रहेगा कि मैंने इतना इतना तारीख को गाड़ी बेच दी है, जो एफिडेविट आपका रहेगा उसके आधार पर भेज सकते हैं। आपने अभी तक ट्रांसफर नहीं कराया है, गाड़ी ट्रांसफर करा ले, अन्यथा 15 दिन के बाद मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि उस गाड़ी से कोई हादसा हो जाता है, कोई चोरी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी अभी तक मेरी होगी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड मेरे नाम से यह गाड़ी है। वो बंदा जल्द ही ट्रांसफर करा लेगा गाड़ी को, अगर नहीं कराया तो फिर आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर मुकदमा भी कर सकते हैं। तो ये काम जरूर कर ले, क्योंकि आप पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक तो एफिडेविट आपको बनाना है, अगर 6 महीने के अंदर में उन्होंने ट्रांसफर नहीं कराया जो गाड़ी खरीदा है, तो उस पर जरूर लीगल नोटिस करें। अगर नहीं करते हैं, कल होकर कुछ भी होता है, सीधा आँच आप पर आएगा। ये एफिडेविट और लीगल नोटिस ये आपके सबूत के तौर पर काम करेगा। भविष्य में उसके बाद वो ट्रांसफर न भी करता है, केस न भी करते हैं, आप उससे एफिडेविट बनवा के रख रखे होते हैं और लीगल नोटिस भेज देते हैं, कि बहुत बड़ा सबूत आपके पास होता है। उसके बाद आप निश्चिंत होकर बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई हादसा करता है, कोई उससे कुछ गलत काम होता है उस गाड़ी से, और तब आप केस करते हैं, जहां एक्सीडेंट होगा वो भी केस करेगा, तो पुलिस सीधा सीधा कार्रवाई करेगी। सीधा सीधा ये मतलब होगा कि इसने गाड़ी ही खरीदा था क्राइम करने के लिए, क्योंकि अगले से गाड़ी खरीदा और इन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं कराया, अगले ने लीगल नोटिस भी दिया, अगले ने इससे एफिडेविट भी बनवाया था, इसको प्रेशर भी किया था, लेकिन इसने ट्रांसफर नहीं कराया, मतलब कि इन्होंने गलत काम करने के लिए यह गाड़ी खरीदा था। यह तो बात हुई कि आप गाड़ी बेचते हैं तो आपको क्या करना है। अब आपको बता रहा हूं कि गाड़ी आप खरीदेंगे तो क्या करना है, उनके लिए भी बता दे रहा हूं। गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आरसी देखना है, कोई भी पुरानी गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको आरसी देखना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। तो आरसी आप चेक करेंगे, आरसी ठीक ठाक हो। कोशिश करना है आपको कि देखना है कि 15 साल गाड़ी पुरानी नहीं हो, 10 साल लगभग हो मैक्सिमम, तभी आप गाड़ी खरीदे। 15 साल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसे 15 साल के बाद तो किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो। तो ये आरसी देखना है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस देखना है, इंश्योरेंस बचा हुआ होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं कि 1 साल का इंश्योरेंस होता है या 2 साल का इंश्योरेंस होता है, उसमें 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने हो, बचा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंश्योरेंस फेल हो, इससे क्या आपको नुकसान होगा कि इंश्योरेंस अगर फेल होगा तो फिर उसी बंदे के नाम से आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जिसके नाम से आरसी है, फिर उसी के नाम से इंश्योरेंस होगा। जब तक इंश्योरेंस नहीं होगा, जब तक ट्रांसफर आपके नाम से नहीं होगा, मतलब कि गाड़ी लेने के बाद भी 1 साल तक उसी के नाम से इंश्योरेंस चलेगा। कल होकर कोई हादसा किसी के साथ होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, चोरी होता है, तो क्लेम उसी बंदे को मिलेगा। बाकी रहा पॉल्यूशन पेपर का, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, पॉल्यूशन तो कभी भी हो जाएगा। जिसके नाम से आरसी होता है, पॉल्यूशन भी उसी के नाम से होता है। इसीलिए आपको 2 चीज पहले देखना है, आरसी और इंश्योरेंस बचा हुआ होना चाहिए, तभी गाड़ी खरीदे। बाकी चीज हो ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यह खरीदने वालों के लिए है कि आरसी और इंश्योरेंस, ये 2 चीज आप देख ले, गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15 साल के अंदर का है, 15 साल मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक्सपायरी डेट है, 10 साल के अंदर का ही गाड़ी खरीदे, रेट कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों चीज पर जरूर ध्यान रखें। तो ये जानकारी जो मैं आपको दिया हूं, बहुत संक्षेप में देने का कोशिश किया हूं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको अब शॉर्ट में ही बहुत सारा चीज बताया जाए। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट पर कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी लॉ से संबंधित कोई मोटिवेशनल, कोई पॉलिटिकल, या फिर किसी भी प्रकार का वीडियो चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई सरकारी योजना से संबंधित मैं आपको वीडियो दो, तो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। ये जो वीडियो बना है, ये भी किसी न किसी के सवाल पे ही है, लोग सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब में वीडियो बनाता हूं, क्योंकि हर किसी के सवाल का जवाब देना कमेंट बॉक्स में संभव नहीं होता है, लेकिन आप सवाल कर देंगे तो आज न कल आपके टॉपिक का वीडियो जरूर बनेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप दबा ले। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से सब्सक्राइबर है, वीडियो आपको मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद मेरे दोस्तों।